हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। आज मैं एक ऐसे पीजी डिप्लोमा कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो उन लोगों के लिए है जो पीजी डिग्री कोर्स नहीं कर पाते हैं, या कर सकते हैं, या करना चाहते हैं, रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं और एक अच्छा पैकेज उठाना चाहते हैं। ये उनके लिए है। ये कोर्स 6 महीने से लेके 1 साल तक का होता है। कुछ जगह पे इसे 6 महीने का कराया जाता है, कुछ जगह पे इसे 1 साल का कराया जाता है। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है, लेकिन प्लेसमेंट के बारे में या पता कर लीजिएगा कि किस तरीके से आपको प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा। जो बड़ी कंपनियां हैं वो इसको कराती हैं, जैसे अपोलो इसे कराता है, ICRI कराता है, और ये बहुत सस्ते में हो जाता है। मतलब आप BCMS के बाद 30,000 से लेके 1 लाख रुपए के अंदर ये पीजी डिप्लोमा कोर्स करके आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। और जितना एक JRF को होम्योपैथी में सैलरी मिलती है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में, लगभग उतनी सैलरी आप भी कमा लेंगे मात्र 6 महीने के से 1 साल के इस पीजी डिप्लोमा कोर्स में। और इसका नाम है पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च। तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी कर लीजिएगा, इंक्वायरी कर लीजिएगा। अब इसके क्या स्कोप हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये कोर्स करने के बाद आप क्लिनिकल डेटा मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेडिकल राइटर, रिसर्च कोऑर्डिनेटर, डेटा एनालिस्ट, ड्रग रेगुलेटरी मैनेजर, डेटा मैनेजर, बायोस्टेटिशियन बन सकते हैं। इसके बाद आपको इन सारे सेक्टर में जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस एट्सेट्रा, फार्मा कंपनीज हैं, मेडिकल डिवाइस जो कंपनियां बनाती हैं वहाँ पे, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं एलोपैथी के वहाँ पे, या कॉस्मेटिक कंपनीज में जो लोग अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसको रिसर्च के थ्रू क्लियरेंस लेते हैं। यहाँ पे 3 और ऑप्शन दिए हैं, बायो इंजीनियरिंग कंपनीज, CROs, लैब डिवीजन ऑफ IT कंपनीज। तो ये सारी जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हॉस्पिटल प्लेसमेंट में जैसे मैंने बताया, अपोलो है, SCG है, वरदान है, मैक्स है, मेदांता है, फोर्टिस और टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में भी इस डिप्लोमा के बेसिस पे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को रखा जाता है BCMS के बाद, जहाँ पे 40,000 से सैलरी की स्टार्टिंग होती है। और ये वो प्राइवेट कंपनियाँ हैं जहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल सकता है अगर आप एक अच्छी जगह से, रिनाउंड जगह से इस कोर्स को करते हैं। तो इसमें देखिए आप, कुछ IT कंपनियां भी हैं और कुछ इसमें फार्माक्यूटिकल कंपनियां भी हैं। बाकी होम्योपैथिक फार्माक्यूटिकल कंपनियां हायर करती हैं कि नहीं उसके बारे में आप पता कर लीजिएगा। इसमें 35 से 40 हज़ार तक आपको आराम से जॉब मिल जाती है इंडिया में, जबकि ये 6 महीने और 1 साल में ही हो जाता है। और MD करने के लिए आपको 3 साल खर्च करना पड़ता है, और प्राइवेट से किए तो 5 लाख 10 लाख तक जाता है खर्च। ऊपर से आप बाद में कमाते इतना ही है, चाहे आप MD करने के बाद रिसर्च लाइन में जाइए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में, या प्राइवेट जॉब में जाइए कॉलेजेज में, लगभग इतना ही आप कमाएंगे। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट इस फील्ड में मिलेगा। और जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी, स्कोप भी बढ़ता जाएगा। तो मेरी यही सलाह है कि आप लोग पूरी इंक्वायरी खुद करके इस फील्ड के बारे में ज़रूर सोचें। ये सारी जागरूकता इसलिए फैलाई जा रही है क्योंकि होम्योपैथी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और सही गाइडेंस नहीं है। जनरली लोग जानते हैं खाली BCMS के बाद MD कर लो और कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन नहीं, बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बताया नहीं जाता, छुपाया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो होम्योपैथी की में करप्शन है वो चलता रहे और आप इसमें फंसे रहें। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं। आने वाले और भी वीडियोज आपको इस तरह के मिलेंगे।